नमस्कार दोस्तों, आईसीसी ने जारी किया है वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल, जाने कब और कहां खेले जाएंगे सभी मुकाबले। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईसीसी वर्ल्ड कप को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि साल 2022 में होने वाले महिला वर्ल्ड कप के कार्यक्रम से जुड़ी पूरी डिटेल की घोषणा कर दी गई है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से की गई है। इस टूर्नामेंट का आयोजन न्यूजीलैंड की सरजमी पर 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में खेला जाएगा। हालांकि इससे पहले इस विश्व कप का आयोजन इसी साल किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। इस वजह से इस डेट को साल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत की तरफ से महिला टीम 6 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेगी, लेकिन ये मुकाबला किस टीम के साथ होगा ये क्वालिफायर के बाद ही पता चल पाएगा। आईसीसी ने मंगलवार को 31 मैच के कार्यक्रम की लिस्ट जारी की है। 50 ओवरों के फॉर्मेट का ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड के 6 शहर प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए हैं। इसमें ऑकलैंड, टोरंगा, हैमिल्टन, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और डुनेडिन, इन सभी शहरों का नाम शामिल है। न्यूजीलैंड और क्वालिफायर होने वाली टीमों के बीच पहला उद्घाटन मुकाबला 4 मार्च को टोरंगा में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय महिला टीम 6 मार्च को टोरंगा में क्वालिफायर टीम के खिलाफ इस टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। इंडियन टीम 10 मार्च को हैमिल्टन में सेडन पार्क में न्यूजीलैंड के विरुद्ध मैदान पर उतरेगी। इस मुकाबले के बाद 12 मार्च को हैमिल्टन में एक और क्वालिफायर मैच खेलेगी। 16 मार्च को टोरंगा में इंडियन महिला टीम इंग्लैंड से टक्कर लेगी। दरअसल साल 2017 में ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें थीं। इसके अलावा भारतीय टीम के इस टूर्नामेंट से जुड़े बाकी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया क्वालिफायर और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 19 मार्च, 22 और 27 मार्च को ऑकलैंड, हैमिल्टन और क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। इस सिलसिले में वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में मार्च को सेमीफाइनल मुकाबला करवाया जाएगा, जबकि क्राइस्टचर्च में फाइनल मैच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए राज ने कहा कि हम सभी ने एक कठिन साल का सामना किया है, ऐसे में जिस खेल को हर कोई इतना प्यार करता है उसमें दोबारा अपनी मौजूदगी देखकर हम खुश हैं। भारत बीते 3 या 4 सालों से आईसीसी टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो चाहे वनडे विश्व कप हो या फिर फिलहाल T20 विश्व कप हो। ऐसे में अगर हम साल 2022 में टूर्नामेंट जीतने का प्रबंधन करते हैं तो लड़कियों की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूं।